देश भर में शारदीय नवरात्रों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब के रोपड़ में विश्व विख्यात नैना देवी मंदिर में दुर्गा अष्टमी के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दर्शनों के लिए भक्त रात में 2 बजे से ही लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। फिरोजपुर नगर कौंसिल ने स्वच्छ भारत अभियान मुहिम के तहत पंजाब भर में पहला स्थान हासिल किया और देश में 64वां स्थान प्राप्त किया। उपायुक्त ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत और जज्बे के चलते फिरोजपुर को स्वच्छता अभियान मुहिम में पहला स्थान हासिल हुआ है और देश भर में 64वां स्थान मिला। इन कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत अभियान मुहिम में एक मिसाल पैदा की है। गुरदासपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमापार से ड्रोन गतिविधियां बढ़ने के बाद बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमापार से होने वाली देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो भी सीमापार से की जाने वाली गतिविधियों को रोकने में सुरक्षा बलों का सहयोग करें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक टीनू मानसा के सीआईए स्टाफ से फरार हो गया। आपको बता दें कि गैंगस्टर दीपक टीनू को कपूरथला जेल से मानसा पुलिस रिमांड पर लाई थी। दीपक टीनू के फरार होने के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट है। दीपक टीनू पर मूसेवाला मर्डर केस की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है। मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने से पहले हुई आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच 27 मई को हुई थी। इस कॉल के बाद 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।